वेरी गुड इवनिंग एवरीबडी. सो अनदर आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम CBSE 2010. प्रूव दैट 2 secant square theta माइनस secant 4 theta माइनस 2 cosecant square theta प्लस cosecant 4 theta इक्वल्स cot 4 theta माइनस tan 4 theta. बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को ले जाते हैं साइन और कॉस में, कोई गलत नहीं है, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अगर मैं इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाइज करूं तो मेरे सामने कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं. जैसे कि हमारे पास अगर इसमें से सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन करूं तो क्या बचा, 2 माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा. पर क्या उसका कोई फ़ायदा मिला कि नहीं. और इधर अगर माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा लूँ तो यहाँ भी बना 2 माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं दे रहा. हाँ, और अगर इनको इकट्ठा करूँ मिल गया कुछ बेनिफिट. समझना, मैंने 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा रखा अपने पास एक सेट, ठीक है. और दूसरा सेट हमारे पास आया 1 माइनस कॉमन करके सीकेंट 4 थीटा माइनस कोसेकेंट 4 थीटा. क्या स्टेप समझ आया, ठीक है बेटा. इन दोनों में से 2 कॉमन कर लिया तो बाहर बचा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी चलेगा. माइनस इधर बना ए स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये बना सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस को सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी सही है. बोलो, इस पूरी टर्म में और इस पूरी टर्म में सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस को सीकेंट स्क्वायर थीटा कॉमन निकल आया. लिख सकता हूं, यस और नो. इधर से आया 2 माइनस ये वाला, और ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज हो गए. क्या ये बात समझ आई. मेरा सोल्यूशन है कॉट के अंदर, तो इसका मतलब मैं सीकेंट और कोसेकेंट की आइडेंटिटीज लगा के क्या सारा क्वेश्चन कॉट में ले जाऊं. और अब कहीं भी पावर मेरी 4 में नहीं है, सारी स्क्वायर में आ गई, क्योंकि आइडेंटिटी स्क्वायर बेस्ड होती है. 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा. तो इस सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह लिख दूं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो ये बन गया माइनस 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. क्या ये सब समझ पाए, बोलिए. ऐसे इधर 2 एज इट इज माइनस 1 की जगह क्या लिखो, सीकेंट स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर, बाहर माइनस की वजह से. क्या ये बात समझ आई. माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो बाहर माइनस की वजह से अंदर. क्या ये बात सबको समझ आई. अगर इतनी बात क्लियर है तो ये 1 और 1 माइनस 2 और ये प्लस 2 कटा, और ये 1 और ये 1 कटा. यहां पे मेरे पास आया टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा. एग्री करते हो, यहां ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव. नेगेटिव कॉमन कर दूं मैं, यहां पे नेगेटिव कॉमन करके यहां लिख दूं और अंदर क्या बचा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. इसमें कोई शक, ये माइनस जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कि इसके साथ हो रहा है कि दोनों के साथ हो रहा है, दोनों के साथ. तो माइनस बाहर ले जाऊं, अंदर बना ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू ए, क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस, तो ब्रैकेट के अंदर आ गया टेन फोर थीटा माइनस कॉट फोर थीटा. क्या ये बात समझ आई. स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हुई रिधि. अब बाहर माइनस है वो अंदर जाएगा, अंदर क्या करेगा, साइन चेंज, और अंदर बन गया कॉट फोर थीटा माइनस, जो कि मेरा क्या है, करिए जल्दी.